हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था BHU क्लर्क 4384 का, जिसमें कि मैंने ये बताया था कि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। आप लोगों की कुछ क्वेरी थी, इसके रिगार्डिंग मैंने ये डाला हुआ है। आप ये देख सकते हैं, मैंने कुछ लोगों का जो हिंदी फॉन्ट से जो टाइपिंग करने वाले हैं, उनको क्या है प्रॉब्लम कि अपने लैपटॉप में वो कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है? आप स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से कि क्या लिखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका PDF चाहिए होगा तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। आपने अब तक तो पढ़ भी लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे करना है, ठीक है? मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मैंने लिखा हुआ अपना अच्छे से, आप पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। MS ऑफिस 2007 जो MS ऑफिस होता है उसमें ऑलरेडी ये होता है। बस इसको किस स्टेप से करना है आपको देख लीजिए। स्टेप वन क्या है, गो टू स्टार्ट बटन, फिर कंट्रोल पैनल में जाना है आपको, लैंग्वेज देखना है वहाँ से, और ऐड कीबोर्ड करना है। ओके, हिंदी इंडिया करना है, देवनागरी ओके, इतना कर देंगे आपका आ जाएगा। उसके बाद नाउ द मंगल फॉन्ट वर्किंग, मंगल फॉन्ट आपका आ जाएगा। अगर आपका मंगल फॉन्ट है ऑलरेडी, जैसे क्या है, ये मंगल फॉन्ट लाने के लिए इतना स्टेप दिया गया है। अगर आपका ऑलरेडी मंगल फॉन्ट है तो उसके बाद क्या करना है आपको, नोट में भी देखिए लिखा हुआ है अल्ट प्लस शिफ्ट। इसके बाद आप क्या होगा, मंगल फॉन्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, शिफ्ट प्लस अल्ट करना है, और उसके बाद प्रॉल्ट उसको आपके वो ग्रेटर देन करना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका लार्ज साइज ऑफ वर्क। साइज को अगर छोटा बड़ा करना तो उसके लिए है स्मॉल, जो आपका ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है इसमें ये वाला, ठीक है? इसको उसको चाहे तो आप लोग छोटा भी बड़ा भी कर सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो आप एक बार ट्राई करिएगा। आप में से किसी ने कोई इसका क्या कमेंट किए थे तो मैंने सोचा कि इसको बना देता हूँ वीडियो, आप देख लीजिए। मैंने इसको टाइप करके अच्छे से लिखा हुआ आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या क्या ले जाना है और क्या करना है उसका मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि क्या करने का है। ये देखिए इंस्ट्रक्शन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ BHU का। ये है आपका BHU का इंस्ट्रक्शन। ओके, तो एडमिट कार्ड में ये सब सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर आप लोग पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आप सुन सकते हैं यहाँ से। चलिए हम आपको बता देते हैं एक बार अच्छे से ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यह है आपका BHU एडमिट कार्ड जो टाइपिंग का होना है, पोस्ट कोड 4384, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एडमिट कार्ड पर। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहला नंबर पर दिया हुआ है, ठीक है? इस पहला नंबर पर देखिए दिया हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और फोटो ऑफ एवरी कैंडिडेट्स वुड बी टेकन वेरीफाइड फॉर सीबीटी असेसमेंट एट द एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर दे आर अलाउड टू सीट द एग्जामिनेशन। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द सेंटर एटलीस्ट 90 मिनट बिफोर एंड कमेंसमेंट द एग्जामिनेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ सेट फॉर्मेलिटीज ऑन टाइम, ठीक है? इसका मतलब ये है आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस ली जाएगी, जो भी आपको फोटोज पर पेस्ट किया गया है। बीच में एक बार आया था चेंज करने के लिए, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं चेंज हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जो इसमें रिसेंट फ़ोटो चिपकाना है, आपका एडमिट कार्ड जो दिया होगा उसमें फ़ोटो जो चिपकाना है, रिसेंट फ़ोटो चिपकाना है, ले जाइएगा। आपको फ़ोटो से बायोमेट्रिक से सब कुछ मैच कराया जाएगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगा। और इसमें 90 मिनट पहले, ठीक है, इसमें दिया हुआ 90 मिनट पहले आपको वहाँ पर जाना रहेगा। सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ है, कैंडिडेट एंट्री विल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द एग्जाम टाइम। ओके, ये तो समझ में आएगा। तो 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आप लोग टाइम पे जाइएगा। मॉर्निंग टाइम में है जैसे 8 बजे मान लीजिए, तो आपको 7:30 बजे तक गेट बंद हो जाएगा, इसलिए 90 मिनट पहले आप जाइएगा, 1.5 घंटा पहले, ठीक है? सुबह थर्ड नंबर है, कैंडिडेट मस्ट कैरी विथ दियर आइडेंटिटी ऑथेंटिटी कार्ड। ओके, मतलब आपका जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह की चीज़ जो हो गया आपका, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, सब ले जा सकते हैं आप लोग विद अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड फिलिंग विच एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर हॉल से नॉट बी अलाउड। ओके, तो आपको क्या है, एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी प्रूफ ले जाना है। इसमें देखिए दिया हुआ कि हॉल सेल नॉट अलाउड, मतलब कि जो हॉल नहीं होता है, आप लोग को लग रहा होगा कि हॉल में उतना बैठ के कराया जाए, नहीं, हॉल नहीं मिलेगा आपको, कोई रूम ही अलॉट किया जाएगा। रूम के अंदर जो भी सिस्टम रखा रहेगा उस पर टाइपिंग करना होगा उसमें जाके। उसके बाद देखिए दिया हुआ है नेक्स्ट चौथा नंबर पर, इसमें चौथा नंबर दिया हुआ है कैंडिडेट मस्ट अफिक्स रिसेंट पासपोर्ट फोटोस हैं। ओके, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैचिंग विद, मैं ये बताया था ना आपको, रिसेंट फोटो फोटोग्राफ आपको इस पर चिपकाना है, जो कि ओके दिया हुआ है इसमें विद वन अपलोडेड इन द, ये देखिए चौथा नंबर फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैंडिडेट मस्ट अफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मैचिंग विथ
वन अपलोडेड इन द ऑनलाइन ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड अबव अंडर सेल्फ अटेस्टेशन बिफोर एंट्री द टेस्ट हॉल। ओके ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड अबव, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये बोल रहा है कि जो आपने ऑनलाइन में के टाइम आपने चिपकाया होगा उसी की तरह आपको चिपकाना है, ठीक है, सेम जो आपने ऑनलाइन के टाइम आपने लगाया होगा। ओके फोटो को उसी फोटो के यहाँ चिपकाने के लिए बोला जा रहा है, जबकि यहाँ पर रिसेंट फोटो भी बोला जा रहा है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर रहा है। तो आप लोग तो उसमें वो नहीं है, आप रिसेंट फ़ोटो लगाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वो फ़ोटो होगा तो ठीक है, जैसे 2018 में लगभग उसका किया गया था नया, एक बार मैचिंग करने के लिए आया गया था ना उसको रीन्यू करने के लिए, तो आप अगर उस समय का अगर आपका फ़ोटो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2018 वाला चिपका दीजिएगा, नहीं है तो आप लोग नया चिपका के लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में दो तीन फ़ोटो भी ले जाना, अगर हो सकता है पुराना वाला भी लेते जाइएगा, नया भी लेते जाइएगा, या फिर आप फोटो चिपकाइए मत, साथ में फ़ोटो और जो भी आपका गम हो वो आप ले जाइए साथ में, वहाँ पर ग्लू कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट देख लीजिए, पाँचवा नंबर, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी टेक्स्ट मटेरियल। देखिए क्या क्या नहीं ले जाना है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। टेक्स्ट मटेरियल नहीं ले जा रहा है, प्रिंटेड और रिटेन पीस ऑफ पेपर, कैलकुलेटर, स्लाइडर रूल, लॉक टेबल, पेजर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ भी नहीं ले जाना, ठीक है, ब्लैक, ठीक है, डिवाइस एक्सेप्ट। अब देखिए क्या ले जाना है, एक्सेप्ट द एडमिट कार्ड एंड ब्लैक ब्लू पेन इन साइड द एग्जामिनेशन हॉल रूम, ठीक है। ये सब जो मैंने बोला था कि ये सब लॉक पेपर, ये सब मोबाइल वगैरह नहीं ले जाना है, लेकिन एक्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि आपको क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड ले जाना है या फिर ब्लैक या ब्लू पेन ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, तो एडमिट कार्ड और पेन ले जाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू ब्रिंग एफोर्स सेट प्रोहिबिटेड आइटम पर्सनल बिलोंगिंग विथ कमिंग द एग्जामिनेशन एज दे हैव लिव्ड आउटसाइड द परमिशन एग्जामिनेशन सेंटर एंड ओन रिस्क। ओके तो आप अगर कुछ ले जाते हैं अपने साथ तो उसको अपने रिस्क पे आपको बाहर ही छोड़ना है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनेशन सेंटर आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन केस ऑफ आइटम आर लॉस्ट स्टोलन, अगर आपका कोई सामान खो जाता है तो इसमें एग्जामिनेशन सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, इसलिए आप लोग कोई सामान मत ले जाइए, सिर्फ आप एडमिट कार्ड और पेन लेकर जाइएगा, और आइडेंटिटी कार्ड जो आईडी एडमिट कार्ड और पेन, ठीक है। फ्रिस्किंग ऑफ कैंडिडेट विल बी डन एंट्री पॉइंट एंड सेंटर। ओके तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स नंबर, कैंडिडेट शुड टेक दियर सीट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द एग्जामिनेशन हॉल, दे कैन लॉग इन एंड रीड इंस्ट्रक्शन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो आप लोग जब भी पहुँचे, आप लोग अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप एंट्री कर दीजिएगा, अपने सीट पर बैठिएगा देख कर, उसके बाद जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट शुड सीट ओनली ऑन द कंप्यूटर नोडल नोट्स अलॉटेड टू देम, कैंडिडेट मस्ट सी दियर डिटेल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन बिफोर ऑक्यूपाइंग द सीट, कंप्यूटर नोट अलॉटेड कैंडिडेट हु वर एब्सेंट शुड बी लेफ्ट टेकन। ओके जो आपको अलॉट किया गया उसी पर बैठना है आपको, और जो एब्सेंट होंगे कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिएगा। आठवां नंबर देख लीजिए, इम्प्रेशन शैल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेट ओवर एवं अदर सूटेबल एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट, कैंडिडेट फाउंड कॉपिंग और रिसोर्टिंग टू एनी अनफेयर मीन्स इंक्लूडिंग गिविंग रिसीविंग हेल्प टू फ्रॉम एनी कैंडिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट और वैलिडिंग एनी कंडीशन ऑफ टेस्ट विल बी समरली डिसक्वालीफाइड, ठीक है। तो अगर आप जैसे इसमें क्या दिया, इंप्रेशन सेल लीड टू कैंसिलेशन, अगर आप किसी तरह से मतलब कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्शन कर रहे हैं, मतलब किसी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा हेल्प कर दीजिए कुछ इस तरह से, आप किसी की कॉपी कर रहे हैं, कुछ पेपर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जैसे एग्जाम देते हैं, बाकी जैसे आपको पता होना आई एन डिजिटल डोन में कैसे एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम आपने दिया होगा बहुत सारा, तो कितनी डिसिप्लिन से किया जाता है, बस वैसे ही इसमें डिसिप्लिन करना है आपको, अपने से मतलब रखना है। ओके कैंडिडेट देखिए, नाइन्थ देख लीजिए, कैंडिडेट शुड मेंटेन कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग द टेस्ट कमेंसमेंट, साइलेंस आपको रखना है। टेन नंबर देख लीजिए, प्लीज चेक द इंट्रीज मेड एनी डिसिप्लिनसी। ओके तो इसमें बस यही है कि आप एंट्री के लिए आप लोग बीएचयू जो सेल है आपका वहाँ पे संपर्क करिए, जब भी डिस्पेंसी होता है तो आप बीएचयू में बता सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्या है, कैंडिडेट में अप्रोच इमीडिएट एंड इन केस ऑफ एनी टेक्निकल डिफिकल्टी एंड शुड अवॉइड बाय हिज
आर इंस्ट्रक्शन एंड डिसीजंस कंप्लेंट इफ एनी रिगार्डिंग प्रदेश शुड बी गिवन इन राइटिंग द सेंटर सुपरिटेंडेंट ऑफ द सेंटर। ओके, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, जैसे टाइपिंग का प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत मतलब यूनिजेटर जो होंगे आपके अगल बगल उनको बताइए कि इसके रिगार्डिंग क्या होगा, कि आपका समस्या को प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। 12 नंबर देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट देयर एडमिशन टू द टेस्ट इज स्ट्रिक्टली प्रोविजनल। ओके, तो आपका जो आपका जो एडमिशन यहाँ पर होगा स्ट्रिक्टली प्रोविजनल, ये आपका प्रोविजनल है। द मैप्ट एडमिट कार्ड बीन इश्यूड डज नॉट इंप्लाई द कैंडिडेट टेक नोटिफिकेशन ऑफ एबिलिटी बैकलॉग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओनली द टाइम ऑफ। ओके, इसमें देखिए जिसमें जिनको रिजर्वेशन मिला गया है, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी वालों को, तो वो क्या है कि उनको कुछ लेकर नहीं जाना है, सिर्फ आपको एग्जाम देना है, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो जब आपका डीबी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन किया जाएगा, उस टाइम पर आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये सब होता है, तो वो सब ले जाना है। अभी आपको नहीं ले जाना है, ये बात है, ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लेके चले जाए वहाँ। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन बिफोर द क्लोजर ऑफ द टेस्ट। ओके, जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, 1 घंटे का है सब कुछ, 45 मिनट के अंदर ही सब कुछ करना है, ठीक है, मैं आपको बताऊँगा 45 मिनट कैसे करना है यूज। देखिए 40 में देख लीजिए, ए मॉक टेस्ट। ओके, देखिए दिया हुआ ना, मॉक टेस्ट है आपका, मैंने आपको जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें लिंक दिया था, तो उसमें मॉक टेस्ट भी आप लोग दे सकते हैं, बीएचयू के साइट पे लिंक उसका दिया हुआ है, तो आप लोग मॉक टेस्ट दे कर दीजिए ताकि पता चले कि हाँ किस तरह से, तो आप लोग इजीली मतलब आपको फ्रेंडली आप उसको पता चल सके कि आप हाँ कैसे देना है मॉक टेस्ट। 15 नंबर देख लीजिए, कैंडिडेट आल्सो एडवाइज टू विजिट RAC पोर्टल रेगुलरली टू अपडेट फॉर टेस्ट डेटेड इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन एंड दे मे आल्सो चेक। ओके, ये सब दिया हुआ है कि आपको हमेशा जो है आपका बीएचयू RAC का वेबसाइट चेक करते रहना, जिससे ये पता चल सके कि रिजल्ट आ गया है, और आने के बाद आपका अगर आपका नाम है तो आपको DB कब हो जाना है ये सब पता चल सके, तो इसको आपको रेगुलरली आपको चेक करना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर अगर दिए तो इस पर भी आएगा। और अब 16 नंबर देख लीजिए, कैंडिडेट में नोट दैट कंपनसेटेड टाइम 20 मिनट पर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो कंपनसेटेड जो है आपका टाइम, ये आपका जो भी आपका डिसेबल्ड में आते हैं उनके लिए है। ओके, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये दिया गया है। 17 नंबर देख लीजिए, अच्छा जैसे हम लोग का 45 मिनट मिलेगा तो उनको 20 मिनट और मिल जाएगा। ये 17 नंबर क्या है कि आपका नो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग स्क्रूटनी री एवेल्युएशन एंड एंट्रेंस इनकेस। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप टेस्ट करके बाहर आते हैं और आपका रिजल्ट आता है और आप फेल हैं, तो आपको किसी तरह का री एवेल्युएशन का अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप स्क्रूटनी उसका करवा सकें, क्योंकि भाई टाइपिंग किया गया है तो वो जो भी है, अगर उसका क्योंकि सर आप देंगे ऑन द स्पॉट का रिजल्ट भी आ जाता है, वो तो आप लोग 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो भी रिजल्ट आए पर वो पता चल जाता है कि आप फास है कि फेल है, तो इसमें स्क्रूटनी नहीं हो पाएगा, अगर आप फेल हैं तो फेल है, इसलिए आप लोग सही से टाइपिंग कीजिएगा। 18 नंबर देख लीजिए, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनल बाइंडिंग। ओके, कोई डिस्प्यूट होता है तो यूनिवर्सिटी देख लेगी उसको। 19 नंबर क्या है, 10 कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसी इन ईच कैटेगरी। ओके, तो ठीक है, तो 10 कैंडिडेट्स मतलब कि एक वैकेंसी पे 10 लोग हैं, और आप रिजर्वेशन के हिसाब से बनाया गया है इसको, और मेरिट बनाया जाएगा मार्क ऑप्टेन इन द रिटेन मार्क रिटेन सीबीटी टेस्ट शैल बी प्रोविजनली परमिटेड टू अपियर द टाइपिंग टेस्ट विदाउट एनी स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, वेरिफिकेशन, ठीक है, तो ये आपका मेरिट पे बनाया जाएगा, जो आपने टेस्ट दिया था पहले 2019 में दिया होगा उसके बेस पे मेरिट बनेगी। टाइपिंग क्या है, एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है। 20 नंबर क्या है, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बिफोर फाइनलाइज्ड ऑफ सेलेक्शन बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो ठीक है, तो क्वालिफाइंग टाइप टेस्ट हो गया आपका, ये सब वही है, जोन ऑफ द, ठीक है, तो ये सब वही दिया है कि आपको अगर जो भी एग्ज़ाम होगा टाइपिंग टेस्ट, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर गए तो आपको जॉब मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरिट बेस पे होना है, ये सब दिया हुआ है इसमें। और 21 में देख लीजिए, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड टू बी फुलफिलिंग ऑल द क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन शैल बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन ऑन द वैकेंट पोस्ट बेस्ड ऑन देयर स्कोर सीबीटी एंड द सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ओके, तो जो लोग भी उसको फुलफिल करेंगे वही लोग सिलेक्ट होंगे। ओके, ये बता दिया, तो वही चीज़ दोबारा दिया, दिस एडमिट कार्ड मस्ट बी रिटेंड। ओके, रिटेंड टिल द ओके, तो इस एडमिट कार्ड को आपको फेंकना नहीं है, ठीक है, इसको रखे रहिएगा लास्ट तक। इसका मतलब ये है क्योंकि अभी आप ले जाएंगे तो आप फोटो इस पर पेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका जो भी है साइन, इस पर स्टैम्प भी लगेगा हो सकता है कॉलेज में, वहाँ पर जाने के बाद यूनिवर्सिटी में। तो ये सब चीज़ देखिए, ये इसमें क्या दिया है, इंग्लिश टाइपिंग इंस्ट्रक्शन। अभी मैं आपको जो ये दिखाने जा रहा हूँ ये क्या है, आप जब वहाँ पर जाएंगे तो यही सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेगा इंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। टोटल टिकट ड्यूरेशन टाइम जो 10 मिनट का है, यू विल प्रोवाइड 750 वर्ड्स। ओके, 750 वर्ड मिलेगा, पैसेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट फॉर विच यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप मिनिमम 300 वर्ड करेक्ट इन द एवर मेंशन। ओके, तो 750 वर्ड, 750 वर्ड रहेगा जिसमें से आपको 300 वर्ड करेक्टली टाइप करना है आपको 10 मिनट के में। तो क्वालिफाइंग स्पीड इज 30 करेक्ट वर्ड पर मिनट। ओके, तो ये आपको देखना है ध्यान रखें, 30 पर मिनट वो आपका स्पीड है, मैंने उसको पहले भी बताया था आपको। द काउंट डाउन टाइम ऑफ द टॉप कॉर्नर स्क्रीन विल बी डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल। ओके, तो मतलब आपका काउंट डाउन जो शुरू होगा तो आपका जैसे कि जो आपका 10 मिनट से स्टार्ट होगा तो ऐसे ऐसे 0 हो जाएगा जैसे बाकी एग्जाम में होता है, बस वही है। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर देख लीजिए, प्लीज रिफर वेरियस कलर इंडिकेशन, टाइप द वर्ड हाईलाइट विथ येलो कलर। ओके, टाइप वर्ड जो करेंगे आप लोग, टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो उसमें येलो होता जाएगा जो आप टाइप कर दिए हैं, और ग्रीन कलर इंडिकेट दैट द वर्ड बीन टाइप करेक्टली। आपका ग्रीन कलर शो करेगा इसका मतलब एक सही है कलर, रेड कलर दिखा दिया इसका मतलब वो वर्ड आपका गलत हो चुका है। जैसे आप क्या एक बार आप लोग मॉक दीजिएगा वैसे, ठीक है। इफ़ यू लीव एनी वर्ड और मर्ज एनी टू वर्ड, सॉफ्टवेयर विल कंसीडर ऑल द वर्ड्स टू बी रॉन्ग आफ्टर दैट विच विल एडवर्सली अफेक्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, कैंडिडेट्स मे करेक्ट द रेड हाईलाइट वर्ड वंस दे सी इन ड्यूरिंग द टाइम बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। द कैंडिडेट कैन रीच इन द इनकरेक्ट वर्ड बाई यूजिंग एरो की और कीबोर्ड माउस। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो उसको इनकरेक्ट को सही कर सकते हैं जाकर वापस, ये बता रहा है बैक स्पेस करके। 7वां नंबर देख लीजिए, विद इन द प्रोवाइड टाइम द टाइप्ड टेक्स्ट कैन बी एडिटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू रीच एनी मिस्टेक एरो कीज अ माउस कैन बी यूज। ओके, सबमिट बटन विल ओनली बी इनेबल्ड वंस द कंप्लीटेड कंटेंट इज टाइप। ओके, जब आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं। जब टाइम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सबमिट हो जाएगा, ठीक है, तो आप सबमिट पे परेशान नहीं हो जाएगा, वो अपने आप भी हो जाता है। इफ़ यू आर कंप्लीट टाइपिंग ऑफ द इंटायर पैसेज बिफोर एक्सपायरी द प्रिस्क्राइब टाइम, यू मे यूज द स्पेयर टाइम फॉर करेक्शन ऑफ द मिस्टेक। ओके, अगर आपका विद इन टाइम जैसे 10 मिनट के अंदर ही आपने 750 वर्ड पूरा कर लिया है ना, वैसे 300 ही करना है लेकिन अब बहुत लोग होते हैं वो स्पीड वाले होते हैं तो कर लेते हैं, तो आपका टाइम बच भी जाता है, तो आपको उस टाइम को यूज करना है कि करेक्ट करना है। बहुत सारे वर्ड आपके गलत हो सकते हैं तो उसको सही करिए, क्योंकि रेट बना रहेगा, आप वापस जाइए वहाँ पर सही करिए उसको। 10 नंबर क्या है, वंस यू हैव कम्प्लीटेड टाइप अप गिवन पैसेज एंड डू नॉट फाइंड एनी एरर्स और मिस्टेक इन दैट, यू मे सबमिट इट बाय प्रेसिंग द सबमिट बटन। ओके, आफ्टर सबमिशन नो एडिटिंग चेंज और टाइप पैसेज पॉसिबल। ठीक है, तो आप अगर एरर वगैरह है तो आप टाइम के अंदर ही आप लोग इसको सही करके ही आप सबमिट कीजिए, क्योंकि सबमिट होने के बाद आपका करेक्शन नहीं किया जा सकता, वापस सब जा नहीं पाएंगे वहाँ। ओके, 11 नंबर है, इफ़ योर कंप्यूटर इज लॉक्ड स्विच्ड ऑफ फॉर एनी टाइप ऑफ टेक्निकल हेल्प प्लीज इन्फॉर्म द नियर बाई न्यूज लेटर में। ओके, अगर आपका कंप्यूटर किसी तरह से ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है या एरर हो जाता है, कुछ होता है, तो आप इन न्यूज लेटर को संपर्क करें। इन एनी केस ऑफ ऑटो रिस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर, यू विल अगेन प्रोवाइडेड विद द फुल टाइम ऑफ गिवन पैसेज। ओके,
अगर इन केस के किसी वजह से आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है तो आपको फिर से लॉगिन कर किया जाएगा और आपका सिस्टम फिर से लॉगिन किया जाएगा और आपको फिर से 10 मिनट जो मिलता है आपका टाइपिंग का वो मिलेगा, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। 30 नंबर लास्ट जो है आपका, यूज एंड ब्रिंगिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, टेबल, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस प्रोहिबिटेड। ओके, ये सब प्रोहिबिटेड किया जाता है, ये सब नहीं लाना है आपको। तो ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको एग्जैक्टली टोटल 45 मिनट टाइम मिलेगा, मतलब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करेंगे, ओके, तो वो आपको टोटल 45 मिनट का बोला, सीट पर बैठने के बाद 45 मिनट मिलेगा। तो 45 मिनट में आपको, तो 15 मिनट आपका स्टार्टिंग का जो होगा वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन पढ़ने में मिलेगा, सॉरी 15 मिनट नहीं, आपका 10 मिनट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मॉक टेस्ट पहला मॉक टेस्ट है, उसके बाद 15 मिनट का आपको रेस्ट है, फिर उसके बाद ऐसे करके आपको टाइम उसमें डिवाइड किया गया है। लास्ट वाला जो टाइम 10 मिनट का है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, आपको कहीं कुछ करना नहीं है, आपको सिस्टम बैठते ही आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट के बाद 15 मिनट का आपको रिलैक्स लेना है, रिलैक्स के बाद फिर कुछ शायद इंस्ट्रक्शन थोड़ा मुझे दिखेगा उसमें से, फिर जैसे जैसे ही लास्ट का 10 मिनट बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है, टाइपिंग करना है, तो वो आप ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा और आपको उससे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप स्टार्ट होने वाला है तो आपको शुरू करना है। और ऐसा नहीं कि खुलने के बाद आप, जैसे आप लोग नॉर्मली टाइपिंग करते तो आपका वेट करते हैं, वहाँ जैसे ही अपने आप एंट्री करोगे 10 मिनट में जो आपका टाइपिंग वाला है वो अपने आप चालू भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तो 10 मिनट का ही टाइपिंग है, बाकी आप देख लिए 750 वर्ड रहेगा। देखिए ये तो इंग्लिश वाला टाइपिंग बता दिया मैंने, हिंदी वाले में क्या है कि उसमें आपको यहाँ पे 30 वर्ड करना है, वहाँ पे 25 वर्ड करना है। ठीक है, उसमें 25 वर्ड पर मिनट होना है, यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट होना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जिन भाइयों को हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है टाइपिंग में, तो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था, तो आप वहाँ से पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वो फॉलो करिएगा, आई एम श्योर कि वो मैंने खुद उसको किया था कोशिश। ठीक है, तो मैं इतना हिंदी का वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, इंग्लिश का लेकिन हूँ थोड़ा, तो हिंदी का मैं थोड़ा बहुत सीखा था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि देख लीजिए कैसे करना है। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग लगे रहिए अच्छे से टाइपिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, बाकी चैनल पर बने रहिएगा। मेरे चैनल पर मैं इसकी रिकॉर्डिंग तो पक्का नहीं जाएगा, जो भी आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, मेरा एक दो चैनल है इसमें, अभी मैं इसको आपको आई डू गुरु जी हेल्प कर रहा है एक, और मैं इसके सुबह के नाम से है, तो आप लोग किसी में भी रहिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगा इस पर, और कुछ और नए भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, सब सारे तरह के मैं डालूँगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।